तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्मा मित्रिला और विष्णु पाद श्री श्री श्रीनाथ भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सर्वजन श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी का मैं यथा युग प्रणाम करता हूँ। इसमें ना एक तार होता है और यहाँ पर लगा देते हैं फिर उसमें क्लियर आवाज क्लियर है कि नहीं उसका क्लियर ज़्यादा भी सही है उसमें तो आवाज क्लियर आती है। हरे कृष्णा। किसने श्रील प्रभुपाद को प्रश्न किया है क्या मठ में हर समय कृष्ण कीर्तन रूपी जो आग है जलती रहनी चाहिए? क्या हर समय मंदिर में कृष्ण कथा रूपी जो अग्नि क्या आज हर समय जलनी चाहिए? और प्रभुपाद कहते निश्चय प्रत्येक मठे कृष्ण संकीर्तन अग्नि निरंतर प्रज्वलित करावे। इसलिए हर मंदिर में कृष्ण कीर्तन रूपी जो अग्नि हर समय जलती रहनी चाहिए। कहा जन कखनो निर्वापित ना है तो वो जो आग है कभी नहीं बुझनी चाहिए। हर समय अग्नि जलती रहनी चाहिए। यदि के तीव्र दृष्टि रखते हवे मतलब है इसी तरफ में हर समय तीव्र दृष्टि मतलब हर समय में उस तरफ में तुम्हारी दृष्टि रहनी चाहिए। मठे काम व इंद्रिय तर्पण के कौन गंध खाके बना कहते मठ मतलब क्या है कल सुन रहे थे ना मठ मतलब होता है बसंती और जहाँ पर पठन पाठन मतलब हर समय गीता भागवत रामायण वेद उपनिषद पुराण हर समय जहाँ पढ़ते रहते उसको कहते हैं मठ है। कद मंदिर में कोई भी इंद्रिय तर्पण के लिए इंद्रिय तर्पण समझते हैं अपना सुख भोग कर कोई इच्छा नहीं रहनी चाहिए। राधा गोविंद रे परिपूर्ण इंद्रिय तर्पण वे सर्वप्रत विजय लाभ करवे। कठमठ में हर समय क्या होनी चाहिए एक चेष्टा होनी चाहिए हम कैसे ठाकुर जी को राधा गोविंद जी को हैं उनको कैसे हम सुख दे सकें। हर समय उनके नाम उनका कीर्तन उनकी कथा उनकी सेवा में हर समय उसमें लगे रहनी चाहिए। संकीर्तनाग्नि चेत दर्पण मार्दिनमयी शिखा मटे प्रज्वलित ना थकिले परस्पर मध्य मन मालिन छिद्रान्वेषण कपटता मत्सरता विद्वेष प्रभृति अनर्थ से आमा देवी सीता के कलुषित करी फैलवे तत्फले महाद्वाग्नि
उत्तर उत्तर वृद्धि होते था भी। इसलिए प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं जब हर समय भगवान की कथा जहाँ पर हो, जहाँ पर भगवान की कीर्तन हो, कीर्तन कथा हो, उसमें क्या होगा? महाप्रभु कहते हैं ना, चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। भगवान की कथा चलने पर चित्त रूपी दर्पण साफ हो जाएगा। भव महादावाग्नि निर्वापनम, संसार का जितने दुख कष्ट, निर्वापन मतलब हर समय के लिए वो संसार का दुख कष्ट आग हर समय के लिए भूल जाएगी। भगवान का कीर्तन से सीखा मटे प्रज, अगर भगवान की कीर्तन नहीं हो, कथा नहीं हो, बस जहाँ पर चार बैठ गए ना, क्या होगा? उसने ऐसे कर रहा था, उसको घर में ये हो रहा है, उसको पति पत्नी बन नहीं रहा है, इसलिए तलाक देने के लिए तैयारी है, अभी उसको बच्चे से नहीं बनता है। देखना सारा दुनिया की जितने सारे बात कृष्ण कथा की, इतने प्रज्वल पर सब देशों हमने लग जाए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अगर हर समय हरि कथा नहीं होगा तो क्या होगा? तो मन मालिन रहेगा, उसके साथ उसकी बनेगा नहीं, उसके साथ मुस्का बनेगा नहीं, उसके साथ उसकी बनेगी नहीं, उसके बाद में छिद्रान्वेषण, छिद्रान्वेषण समझती हो, दूसरों को दोष देखना शुरू कर देंगे, दूसरे को दोष देखना शुरू कर देंगे। हम लोग व्यक्ति ऐसे कर रहे हैं, वहाँ पर छीन दिया, वहाँ पर टाटी कर दिया, वहाँ पर बैठ गया, देखो ना फिर भगवान की कथा नहीं होगा तो क्या होगा? यही यही माया की कथा होने लग जाएगी, दूसरों को दोष, फिर कपटता आने लग जाएगी, डुप्लीसिटी आने लग जाएगी, फिर मत्सरता, मत्सरता मतलब किसी दूसरों को देख करके हाँ उसका इतना बड़ाई, उसकी इतना प्रशंसा हो रही है, उसको टांग पकड़ करके से खींचो, उसको ऊपर बजाने मत दिया, उसको नीचे पकड़ करके उसको खींचना शुरू कर दो। इसलिए विद्वेष है, उसको प्रति विद्वेष प्रवृत्ति अनर्थ है, इससे हमारे जो चित्त की कलुषित कर दे, तरह तरह का अनर्थ आकर के हमारे हृदय को एकदम कलुषित पाप कर देगा, पूरा गंदा कर देगा हृदय को। अगर है इसलिए तत्फले महादवाग्नि उत्तर उत्तर वृद्धि होता है, उस द्वारा क्या होगा? अगर कृष्णा कथा रूपी अग्नि, कृष्णा कीर्तन रूपी अग्नि अगर नहीं जलेगा, फिर माया की अग्नि जल रही है, उस समय भव महादावाग्नि संसार रूपी दुख रूपी अग्नि वहां पर प्रज्वलित होगी। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं अगर कहीं एक कांटा गड़ी गई ना, वो एक कांटा को निकालने के लिए दूसरी कांटा जरूरत है, जैसे कांटा गड़ गया तो दूसरी कांटा चाहिए, फिर वो कांटा को निकल कर फेंक दे। इसका मतलब क्या है? कहते हृदय में हमारी एक एक कांटा गड़ गई, बोले कौन सा कांटा गड़ी? बोले माया, माया की कांटा गड़ी हुई है। अगर वो कांटा को निकालना तो मैं दूसरा दूसरी कांटा ला, बोले दूसरी कांटा क्या है? भगवान की कथा, भगवान के नाम कीर्तन। कब हम बैठ करके हैं, कब हम बैठ करके दूसरे दूसरे चर्चा करते हैं? जब हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, कीर्तन नहीं होता है, हरी कथा नहीं होती है, जहाँ पर हर समय कीर्तन कथा कीर्तन हमारे पुरुषोत्तम। इसलिए महाप्रभु क्यों बोले हैं, बोले जो 100,000 हरिनाम नहीं करेगा उसका हाथ का दिया हुआ वस्तु में ग्रहण नहीं करूंगा। महाप्रभु क्यों बोले 100,000 हरिनाम करो? अभी 100,000 हरिनाम करने के लिए तुमको 6 घंटा 7 घंटा लगेगा, 6-7 घंटा लगेंगे। अगर कोई हरिनाम जप करने के लिए 6-7 घंटा देना, उसके पास में समय ही नहीं, दूसरे कोई बात करने के लिए बैठ कर तुम्हें अभी तुम्हारा पूरी नहीं है। अगर हम बात करने के लिए बैठेंगे ना तो हमारी माला पूरी कैसे होगी? माला कैसे हम पूरी करेंगे? इसलिए हम रोज गीता नहीं तो भागवत कोई ग्रंथ को, गोस्वामी ग्रंथ नियम करके इतना पढ़ाई करे, हाँ संख्या पूर्वक नाम दान गतिवी, अगर हम संख्या पूर्वक नाम कीर्तन करें तो हमारे पास में समय नहीं दूसरे चर्चा करने के लिए। अगर इसको नहीं करोगे तो हम बद्ध जीव है, बद्ध जीव का तो स्वभाव है निंदा चुगली दूसरों को, हाँ ईर्षा द्वेष, ये तो हमारी स्वभाव में बैठ, हमारी कर्म में बैठ गया है। अब देखना भगवान की अगर यहाँ पर भगवान की कथा हो रही है, वहाँ पर ईर्षा चुगली हो रही है, आप किधर जा रहे हैं?
इधर ही आओगे, इधर एकदम नहीं आओगे। अगर दूर से पता चल गया ना, ऐसे वो चुगली ऐसे की चीज दूर से पता चल गया तो वहां कुछ हो रहा है, कोई विशेष बात हो रही है ना। और अगर नहीं बुलाया करूंगी ना धीरे धीरे, हाँ मैंने भी सुना हमको व्यक्ति से कर रहा है ना, वो चीज इतने मीठी, इससे बड़ा मीठी जो है सबसे मीठी है चुगली है, रसगुल्ला भी इतना मीठा नहीं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं प्रभुपाद, कृष्ण संकीर्तनाग्नि मठे वो हृदय अनुखन प्रज्वलित ना थकिले भवेर मूल उत्पाटन वो ताहर चरम फल प्रेम लाभ हवे ना। प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्ण संकीर्तनाग्नि मठे, अगर मंदिर में कृष्ण संकीर्तन रूपी जो अग्नि हाँ मठ में और हृदय में अगर हर समय प्रज्वलित नहीं रहेगा, जलेगी नहीं, फिर ये जो भव महादावाग्नि जो संसार का जो दुख कष्ट है क्या, तो मूल उत्पाटन मूल मतलब जड़ समय उसको उखाड़ गया कैसे है। और कृष्ण संकीर्तन का फल क्या है, बोले प्रेम लाभ, भगवान चरण में प्रेम लाभ कैसे होगा हाँ कैसे होगा। इसलिए यही संकीर्तनाग्नि जावत्य अन्याभ्यास कर्म ज्ञान योग व्रत वो तब प्रभुति सकल के भत्म सात करे सर्वोपरी विजय लाभ करीवे। इसलिए जो व्यक्ति हर समय कभी समय को जो कभी नष्ट नहीं करता, हर समय भगवान का नाम कीर्तन भजन में हर समय डूबा रहता है, तो प्रभुपाद कहते क्या उसको डर क्या होगा, बोले जितने तरह का अन्य अभ्यास मन में बैठा हुआ, जितने तरह का कर्म ज्ञान योग व्रत तप हैं, ये सब को जला करके ये राह बना लेता है भगवान का कीर्तन और भगवान की कथा। इसलिए ये कहते कुमेधा गण ही अन्न साधन साध्य स्वीकार करें, किंतु सुमेधा गण संकीर्तन यज्ञ महाप्रभु आराधना करें। कहते दो तरह के व्यक्ति है, कहते एक कुमेधा और एक सुमेधा, कुमेधा और एक सुमेधा। कहते जो कुमेधा के मतलब खराब, जिसके दिमाग खराब है वो क्या करता है, भगवान की कीर्तन रूपी भगवान की कथा रूपी अमृत को छोड़ करके दूसरे साधन में लगे रहते हैं। लेकिन जो सुमेधा लोग हैं वो क्या करते हैं, हर समय महाप्रभु का द्वारा जो उपदेश है जो परम विजय जैसे कृष्ण संकीर्तनम है, कलयुग में भगवान का नाम रूपी कीर्तन की जय जयकार हो, तो भगवान का नाम कीर्तन कथा में ही वो डूबे रहते उसको आराधना करते हैं। कहते श्री कृष्ण संकीर्तन हले ही, कहते कृष्ण संकीर्तन करेंगे तो उसको फल क्या है, अगर हम कृष्ण कीर्तन करते उसका फल क्या है। कहते सत्यजु का जो धर्म था क्या, बोले ध्यान, सत्यजुग में लोग ध्यान करते थे, लेकिन और तृतीया युग में यज्ञ करते थे, और द्वापर युग में महार्चन ठाकुर का अर्चन होता था, लेकिन जब हम कृष्ण कीर्तन करेंगे जब हम कृष्ण कीर्तन करेंगे उसको जरा क्या होगा, सत्यजु का जो ध्यान है उसका भी फल मिल जाएगा, तृतीया युग का जो यज्ञ है उसका भी फल मिल जाएगा, और द्वापर युग का जो महाअर्चन है कहते कृष्ण कीर्तन के द्वारा ये ध्यान यज्ञ अर्चन इस सब के सब फल किसको द्वारा मिल जाएगा, हरिनाम कीर्तन से मिल, हरिनाम कीर्तन से इस सब के सब उसको द्वारा मिल जाएगी। संकीर्तन व्यतीत राधा गोविंद मिलित तनु गौरव सुंदर सेवा है ना। इसलिए जो व्यक्ति भगवान का संकीर्तन नहीं करते हैं है? तो महाप्रभु का सेवा नहीं होता, इसलिए महाप्रभु का सेवा किसको द्वारा होता है, भगवान के संकीर्तन को द्वारा। इसलिए महाप्रभु भी क्या करते थे हाँ, श्रीवास अंगन में सारे भक्तों को लेकर के भगवान की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे
कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु भी भक्तों को लेकर के संकीर्तन यज्ञ हर समय महाप्रभु कीर्तन में रहते थे मस्त, इसलिए सेवा है ना केवल अर्चन द्वारा राधा गोविंद सेवा है ना जने महाचर श्री कृष्ण कीर्तन विशेष आवश्यक। इसलिए जैसे ठाकुर का अर्चन करते हैं ठाकुर की सेवा पूजा करते हैं तब प्रभुपाद कहते हैं केवल अर्चन के द्वारा ही हैं राधा गोविंद का सेवा नहीं होता है, अर्चन के साथ साथ में जो महाअर्चन है सबसे जो बड़ा अर्चन क्या है भगवान का नाम संकीर्तन है। इसलिए भक्ति मोहन ठाकुर कहते हैं हरि नामाश्रय करी जतन तुम्हें ताकहु आपन भाई, भगवान का नाम आश्रय करते हुए ठाकुर की सेवा करते हो, भगवान का नाम लेते हो, प्रसाद बना रहे हो भगवान का नाम ले रहे हो, घर में झाड़ू लगाते हो भगवान का नाम ले रहे हो, हर काम में क्या करो भगवान का नाम जो। इसलिए प्रभुपाद ने बताए जैसे पांच भक्ति का अंग है भक्ति का जब सकल साधन श्रेष्ठ एक पंच अंग कृष्ण प्रेम उपज यहाँ अल्प संग, मतलब है जितने साधन में जो पांच जो भक्ति का अंग सर्वश्रेष्ठ है तथा अगर थोड़ी सी अगर उसमें भगवान की थोड़ी सी रुचि पूर्वक अगर एक भक्ति का अंग साधन कर दो कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए। प्रभुपाद कहते हैं जैसे भागवत श्रवण पांच भक्ति का अंग एक है भागवत श्रवण, लेकिन अगर हम भागवत श्रवण करेंगे तो उसमें फल क्या है, भागवत में क्या लिखा हुआ है, जब भागवत शुरू होता है क्या कहते हैं विद्यमानानां इच्छताम अकूत भयम् योगिनां नृप निर्मित हरि नामानुकीर्तन। अगर कोई जीवन में शांति पाना चाहते हैं भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो क्या करनी चाहिए जीवन में भी अगर अभय बनना चाहते हैं हाँ? और सारे शास्त्र का जो निचोड़ है हाँ? जो एतद निर्विद्यमानानां जो संसार में जो मुक्त महापुरुष है वो सब के सब क्या करते हैं बोले हरे नामानु कीर्तनम, सब के सब हरि नाम कीर्तन करते हैं। जब भागवत से खत्म हो जाता है भागवत का उपसंहार करते हैं वहां पर भी बोले नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनम स्तम नमामि हरि परम, लास्ट में यही कह रहे हैं बोले नाम संकीर्तन से ही नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तन से ही सारे पाप उससे नष्ट हो, सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनम दुख का जो संपूर्ण रूप में जो समाप्ति है केवल हरि नाम कीर्तन से। इसलिए भागवत यही बोलता है भगवान का नाम ही भागवत यही बोलता है कहते मथुरा वास है कहते मथुरा में वास करो, लेकिन मथुरा में वास करके क्या करेंगे मथुरा में रहकर के, अगर भगवान की प्रभुपाद कह रहे जितने सारे अंग अगर कृष्ण नाम संकीर्तन से नहीं जुड़े ना सब बता है मथुरा में रहेंगे अगर रह करेंगे प्रभुपाद नाम नहीं करेंगे फिर क्या होगा। इसलिए भक्ति मोहन ठाकुर क्या कहते हैं रूप गोस्वामी तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी तिष्ठन ब्रजे, ब्रज में रहकर क्या करेंगे हैं ब्रज में रहकर करेंगे क्या पहले तो हरि नाम कीर्तन ही करेंगे, अगर रहेंगे धाम में अगर और कहीं चिंता हो रहा है तो जहाँ चिंता कर वही रहे। इसलिए धाम वास उसको साथ साथ में कीर्तन करना है मथुरा वास और श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन ठाकुर का सेवा कर रहे हैं हाथों में ठाकुर का सेवा कर रहे हैं और उसको द्वारा क्या करेंगे भगवान का मुंह में नाम ले रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जितने सारे भक्ति अंग में अगर हरि नाम कीर्तन उसमें नहीं जोड़ोगे ना तो साधु सेवा करके क्या करेंगे साधुओं की सेवा कैसे करेंगे साधु सेवा साथ में वहां भगवान का मुंह में ठाकुर का नाम करनी चाहिए। इसलिए एक जने महार्चन क्या है बोले संकीर्तन ही कलयुग में महार्चन ताई महाप्रभु शिक्षा टेकर प्रथम ही परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम
এই কথা বলেছেন। ইসলে মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টমী কে বলে পরম বিজয় তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তন, বলে ভগবান কাজ নাম কীর্তন সর্বোপরি সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ মে নাম কীর্তন কি জয় জয়কার হো, জয় জয়কার হো। ইসলে বলে শ্রী হরিনাম সংকীর্তন কি জয়, সচ্চিদানন্দন গৌর হরি কি জয়, নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি। और पांच मिनट समय। इसलिए किसने प्रभुपाद से प्रश्न किया, हाँ प्रश्न करते हैं नाम कीर्तन करने का फल क्या है, जो नाम कीर्तन करने का फल क्या है। सब लोग क्या अपना इतना परिश्रम कर रहे हो, आठ दस घंटा का फल इसलिए पैसा है। उसी तरह आप लोग संसार जो परिश्रम करते उसका फल ही है, लेकिन नाम संकीर्तन करके तो इसका फल क्या है। तो प्रभुपाद कहते हैं बोले कृष्ण नाम कीर्तन कृष्ण साक्षात अनुशीलन वाद सेवा। इसलिए जो व्यक्ति कृष्ण कीर्तन करते हैं वो क्या कर रहे हैं, साक्षात रूप में कृष्ण का सेवा करते हैं। इसलिए हमने देखा कुछ कुछ भक्त लोग हैं जो माला करते हैं ना, माला जप करते हैं, माला जप करते हुए कैसे करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने पूछा अब ऐसे क्यों करता, बोले भगवान गुरुदेव ने बताई जो भगवान कलयुग में नाम रूप महाप्रभु जब संन्यास लेकर के जा रहे थे, महाप्रभु ने देखो बोला अगर तुम लोग मेरे को प्रेम करते हो, अगर मेरे को प्रेम करते हो क्या करना, सब लोग एक साथ में मिल करके बैठ करके कृष्ण कीर्तन करना, हरि हराय नमः कृष्ण जादवाय नमः, जादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन ये दो रूप में कलयुग में मैं दो रूप में प्रकट होऊंगा है। महाप्रभु अगर तुम लोग मेरे को प्रेम करते हो क्या करना, नाम कीर्तन करना। इसलिए कलयुग के नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान कलयुग में नाम रूप में ही भगवान अवतीर्ण होंगे। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जो व्यक्ति हरि नाम कीर्तन करते हो डायरेक्ट रूप में कृष्ण सेवा करते हैं, गुरु जी की सेवा करते हैं। इसलिए कीर्तन करते करते भुक्ति वांछा मुक्ति पिपासा रूप अनर्थ दूर है। जब हम भगवान का कीर्तन करेंगे करते करते क्या होगा, तो जो भोग की वासना है, जो मुक्ति का जो वासना है और जितने तरह का अनर्थ है, यदि कृष्ण कीर्तन करते 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 ये सब धीरे 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 ये सब नष्ट हो जाता है। श्री नामेर कृपाए सकल अनर्थ ही क्रमशः विदूरित है। यदि अनर्थ कैसे दूर होगा, बोले भगवान का नाम कीर्तन करते करते धीरे 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 धीरे। इसलिए रूप गोस्वामी कहते स्यात् कृष्ण नाम चरित अभिक्त रसना सुन रचितानु किंतु तद आदरात अनुदिनम। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं भगवान का नाम तो मीठा है, कृष्ण नाम तो मीठा है, मधुरम मधुरम में तत् मंगलम मंगला नाम। तब जितने जगत में मीठा है, जगत में जितने मीठा है, तो सबसे अगर जगत में कोई मीठा है भगवान का नाम है। जगत में जितने मंगल है सबसे अगर कोई मंगल भगवान का नाम है, ठाकुर का नाम। कितने अभी भगवान का नाम है मीठा, मेरे मीठा क्या लगता है, दुनिया की चीज हाँ संसार का चीज हम बड़ी मीठी लगती है, लेकिन फिर क्या करनी चाहिए। रूप गोस्वामी कहते हैं जैसे इसको अगर पीलिया की बीमारी जंडिस की बीमारी हो जाए, जैसे मिश्री भी उसको दो मिश्री भी उसको कड़वी लगता है, मिश्री भी उसको कड़वी लगता है, लेकिन डॉक्टर क्या कहता है गुरुदेव,
మిసిరి చూస్తే రా, మిసిరి చూస్తే రా, చూస్తే 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 తుమ్మారి బీమారి సహీ హో జాయేగి నా ఫిర్ మిసిరి ఇసీ కహతే హై భక్తి మోహన్ ఠాకూర్ కహతే హై అనుదీనా జేనా తబ నమ గాయ క్రమతే కృపాయతా అపరాధ జవే నామే రుచి హవే ఆస్వాదివ నమసవ కత ప్రపంచే పడియా అగతి హయ్యా నా దేఖీ ఉపాయ భక్తి మోహన్ ఠాకూర్ ఇస్కా కీర్తన కర్తే ఇస్కా ట్రాన్స్లేషన్ కర్తే ప్రపంచ పడి అగతి అయ్యా నా దేఖి ఉపాయ అగతి రగతి చరణ శరణ బోలి హే ప్రభు ఈ సంసార పడ కరికి ప్రపంచ మాయా పడ కరికి అగతి హయ్యా అగతి మతలబ్ జిధర చల్నీ చాయి ఉధర ఆప్ నహీ చల్ కరికే హమ్ ఉల్టా రాస్తా మే హమ్ చల్ రహే హమ్ భక్తి మే నహీ చల్ కరికే మాయా మే హమ్ చల్ రహే హమ్ అభి నాదే కి ఉపాయ ఆర్ ప్రభు హమారా కోయి ఉపాయ నహీ లేకిన్ ఆప్ కౌన్ హో అగతి గతి చరణ శరణ జిస్కా జగత్ మే కోయి భీ సహారా దేనే వాలే నహీ అగర్ ఉస్కో కోయి సహారా దేనే వాలే తో ఆప్ హీ జగత్ మే జిస్కా కోయి సహారా నహీ అగర్ ఉస్కో కోయి సహారా దేనే వాలే కేవల ఠాకూర్ ही उसको सहारा देने वाले अगत गति चरण शरण इसलिए जत अनुदिन जेन तब नाम गाई क्रमे के कृपा तब यद भगवान का नाम मीठा नहीं लगने के भी क्या करो माला लो माला लेके के बैठो और अनुदिन जेन तब नाम गाई क्रमे के कृपा तब धीरे 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 क्या करना चाहिए हाँ धीरे धीरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरिनाम करते रहो आदर पूर्वक हाँ धीरे धीरे आदर करके प्रेम पूर्वक हरिनाम करते रहो करते 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 क्रम में तक अपराध जीवे नाम रुचि हवे तो क्या होगा धीरे धीरे हमारे अपराध खत्म हो जाएगा जो नाम अच्छी नहीं लग रही ना अभी भगवान का नाम अच्छी लग रही है जब भगवान का नाम तुम्हें अच्छी लगने लग जाए ना क्या समझो भैया हमारे धीरे धीरे बीमारी सही हो रही है हमारी बीमारी धीरे धीरे हमारी बीमारी सही हो रही है ये समझनी चाहिए इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं क्रमशः अनर्थ विद्रुत प्रभुपाद कहते देखो पहला अवस्था में कोई कहते ना गुरु जी जब माला लेकर बैठते हैं ना जो चिंता कभी नहीं आता है दिमाग में फिर वही चिंता आती है अब देना भजन करने के लिए बैठ तो वैसे समय में कोई चिंता नहीं आएगा लेकिन जब एकांत में बैठ तो बैठ कर हरिनाम कर दो सारा दुनिया की चिंता जो चिंता कभी नहीं होता इसलिए तो क्या करनी चाहिए प्रभुपाद कहते हैं चिंता मत करो प्रभुपाद कहते कोई चिंता मत करो क्योंकि ये जो संस्कार हमारी जन्म जन्मांतर से ये बुरे संस्कार पड़ा हुआ है एक साथ वो नहीं आएगा वो दिल में काम क्रोध लोभ मोह बहुत दिन से कब्जा करके बैठे हुए हैं अब तुम दो दिन में माला करके बोले इसको हटा दूंगा नहीं अभी तुम कोर्ट में जाना पड़ेगा तुमको उसके नाम पर तुमको केस करना पड़ेगा कोर्ट में जाकर के फिर जाकर क्यों बहुत दिन से बैठा हुआ ना किरायेदार बैठा हुआ किरायादार बैठा हुआ आप कोशिश कर रहे हो एक दिन दो दिन में केस भगाओ भैया करोड़ों साल से तो बैठा हुआ तुम दो दिन में आकर उसको भगा दो केस करो मामला लड़ो वकील करो लहर को ढूंढो उसके बाद लड़ाई करो करते करते फिर धीरे 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 फिर धीरे धीरे जाएगा एक साथ वो नहीं जाएगा इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अगर भगवान का नाम लेते समय किधर उधर चिंता होती है कोई चिंता कोई चिंता मत करो हरिनाम करते रहो हरिनाम करते रहो कद कृष्ण नाम साक्षात कृष्ण कद कृष्ण अभिन्नत्वात् नाम नामिना भगवान अरुण का नाम में कोई फर्क नहीं सत्यवान कृष्ण नाम असीम शक्तिशाली जो कृष्ण नाम है असीम शक्तिशाली इसलिए कहते हरि से बड़ा हरि का नाम प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम अंत में निकला यह परिणाम
हरि से बड़ा हरि का नाम। इसलिए नाम को चिंता रहती है, नाम ना हो बदनाम, हरि से बड़ा हरि का। यदि कृष्ण को हर समय क्या चिंता रहती है, मेरे नाम बदनाम ही नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे नाम को कोई अगर लेकर पुकारता है भगवान, चिंता भैया। द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, झट आ गए घनश्याम, जल डूबत गजराज पुकारा, आए आधे नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। तो भगवान का नाम भगवान से भी बढ़कर भगवान से भी कहते हैं। यहाँ पर कहते कृष्ण नाम, कृष्ण नाम असीम शक्तिशाली, भगवान का नाम असीम शक्ति है, असीम शक्ति भगवान का नाम में। ताहार कृपाए असंभव बल्या किछु नाही, कर भगवान का नाम में जगत में ऐसे कोई असंभव है ही नहीं, सब कुछ पॉसिबल है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं, भगवान के नाम से सब कुछ पॉसिबल है। कृष्ण कीर्तन फले अनर्थ निवृत्ति, वो परमार्थ प्राप्ति सब अनायास है। केवल भगवान का नाम को द्वारा ही क्या होता है, कितने अनर्थ निवृत्ति होगा और परमार्थ प्राप्ति है। इसलिए भगवत प्राप्ति उसको तो अनायास है। नाम फले कृष्ण पद प्रेम हो जाए, नाम करते 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 नाम को द्वारा ही कृष्ण के चरण में प्रेम भी, हरि नाम करते करते कृष्ण चरण में प्रेम होगा। इसलिए कृष्ण नाम ही जीवन एकमात्र आश्रय। हम आश्रय करते किसको आश्रय करे, तो भगवान का नाम को ही आश्रय ग्रहण करे। कलि काले कृष्ण नाम कीर्तन व्यतीत जीवेर आर कौन साधन भजन किछु नाही। इसलिए कलि युग में कृष्ण नाम कीर्तन को छोड़ करके जीव का और कोई भी साधन नहीं, कोई भी कलि युग में साधन नहीं। इसलिए बोले हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव। जो केवल शब्द प्रयोग किया हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम केवल, केवल शब्द क्यों, कोई भी कहते ना अपना हरि नाम भी करेंगे, थोड़ा ध्यान भी करेंगे, थोड़ी सी योग भी करेंगे, थोड़ी सी इधर उधर भी करेंगे, हाँ भगवान का नाम भी करेंगे, उसको साथ साथ में और भी पूरा करेंगे, बोले नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कलि युग के बल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नारो त रही पारा। वो कह रहे हैं कलि युग केवल, केवल मतलब और कोई नहीं, इसलिए जाग जोग तपस्या कलि युग में कुछ नहीं, केवल हरि का नाम को ही आश्रय ग्रहण करो। कलि काले कृष्ण नाम व्यतीत जीवेर आर कौन साधन की सुनाए, श्री नाम भजन व्यतीत जीवेर मंगल लाभे, ओ अमंगल दूर करना अन्य कौन उपाय नाए। हरि नाम कीर्तन को धराए जीव का परम मंगल उसमें भी और अमंगल जो दूर है ना, कहते मंगल भवन अमंगल हरि, मंगल हरि नाम से होगा और जितने अमंगल है कैसे होगा, बोले भगवान का कीर्तन से ही जा रहे अमंगल भी उसको द्वारा दूर होगा, मंगल है उसको द्वारा और अमंगल दूर होगा केवल कृष्ण कीर्तन से ही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Krishna, 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 Krishna,